चौक पर जो उमरा गेट जो बाज़ार है, मेन बाज़ार है, यह हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी यहाँ गंदगी का आलम होता है तो कभी यहाँ कोई ना कोई यहाँ पुतले फूके जाते हैं। आज ये मार्केट के दुकानदार जितने भी हैं, इन्होंने एक रास्ता बंद किया हुआ है। ये रास्ता क्यों बंद किया हुआ है इन्हीं से जानते हैं। यानी कि आरोप है कि सीधा सीधा कि रात को 3 बजे चोरों ने बालाजी गारमेंट और बाबा गारमेंट्स के ताले तोड़े। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस नहीं आई। उसके बाद ये किला बाजार चौकी गए और वहाँ भी कोई नहीं मिला तो उन्होंने एसपी से सीधा यानी कि फ़ोन लगाया। तो उसके बाद एक कर्मचारी आया, उस कर्मचारी ने क्या कहा ये इन्हीं से जानते हैं। इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है और ये देखिए हाथ उठा रहे हैं यहाँ पर सारे, यानी कि रोषित हैं ये दुकानदार, क्योंकि रात को इनका ताला टूटा, बेशर्ते कि उसमें नुकसान ना हुआ हो। दो दुकानों का ताला टूटना, उसके बाद पुलिस की कोई कार्रवाई ना होना, इससे ये नाराज है। आइए जानते हैं यहाँ के प्रधान से, किशन इलाहाबादी जी से, कि घटना बताइए क्या घटना हुई और आपने ये रास्ता क्यों बंद किया हुआ, पहले बताइए जी। 3 बजे के लगभग घटना हुई। क्या हुई घटना? ताले तोड़ रहे थे दुकानों के और बिट्टू भाई सेल वाले ने ऊपर से देखा जी, तो इन्होंने शोर मचाया, उसके बीच से भाग गए। फिर ये मालिक आए जी। मालिक आके इन्होंने 100 नंबर पे फोन लगाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। उसके बाद ये गए किला बाजार चौकी जी। किला बाजार वालों ने ताला ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोला जी। उसके बाद उन्होंने SHO साहब को फोन किया, उन्होंने भी आधा पौना घंटा कोई कार्रवाई नहीं की जी। फिर उसके बाद इन्होंने SP साहब को फोन लगाया जी। SP साहब को फोन लगाने के बाद एक पुलिस कर्मचारी, सिंपल ड्रेस, सिंपल गाड़ी, चंडीगढ़ नंबर, विस्की पिया हुआ, ये फोटो मौजूद है, वो आया। उन्होंने कहा पुलिस की कमी है इसलिए मैं अकेला आया। इतना बड़ा यहाँ जिला पुलिस प्रशासन है अब तो है, उनके लिए तो इनके पास, यहाँ के लिए तो हमारे पास पुलिस नहीं है। चुंगी से लग के नई कचहरी तक चले जाओ, पुलिस का इतना बड़ा गुंडा राज है, हैं? रोज छोटे बच्चों को, आम बंदों को रोकते हैं, 10 जगह चेक नाका लगा हुआ है। वहाँ के लिए इनके पास पुलिस है। हमारी अगर चोरी होती है, हमारा नुकसान होता है, हम गश्त के लिए कहते हैं, इनके पास पुलिस नहीं है। क्या मांग है? हमारी मांग है कि SHO से लेके सब वैसे तो सारा ही फरिश्ते का, बाकी SHO तो एकदम बिल्कुल तबादला होना चाहिए हर हालत। बोलने की सेंस भी नहीं उसको, बोलता है कि जाने खड़े रहो तो तुम्हारी दुकान है, नहीं तो चले जाओ, हम तो अपनी मर्जी से आएंगे। आइए जानते हैं कि भी बिट्टू क्या नाम है आपका? सुमित। आपकी दुकान का ताला टूटा? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? सुमित कसौरिया। सुमित, कौन, क्या नाम है दुकान का आपका? बालाजी गारमेंट। बालाजी गारमेंट। किस वक्त की घटना है, क्या समय रहा? 4 बजे बिट्टू भाई साहब का फोन आया, आपने फोन कर, फिर हम दुकान पर आए, हमने ताले संभाले, ताले टूटे हुए थे, फिर हमने फोन करा 100 नंबर पे, फोन उठाया, हमने कहा कौन बोल रहा है, बोला नाम का क्या करेगा, बोला जनाब नाम तो बता दो, बोला भेज देंगे। उन्होंने कोई गाड़ी नहीं भेजी, हम कल 20 मिनट खड़े रहे। फिर हमने SHO साहब को फोन करा, उन्होंने उठाया फोन, बोला भेज रहा हूँ, आधा घंटा कोई पुलिस नहीं आई। दोबारा हमने फोन करा, हमने कहा जनाब हम जाए, आप स्टाफ भेज रहे हो? SHO साहब बोला तारी दुकान से तारी मर्जी, तो हम खड़े रहे हो, मैं तो बंदा भेज दिया। फिर एक बंदा आया, सिविल ड्रेस में आया, जैन गाड़ी थी, चंडीगढ़ का नंबर था, 2 मिनट में आगे चला गया, उसने दारू पी रखी थी, हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। फिर बोला हमारा स्टाफ की कमी है। मैंने कहा अगर स्टाफ की कमी है, जिला पुलिस होने के बाद भी स्टाफ की कमी है, क्या हम सचिवालय 80 बनवा दें क्या? तो पुलिस प्रशासन पूरा होगा। बोला तो हम जानो तारा काम जाने, वो गाड़ी लेके चला गया। फिर बड़सी गेट पे भी चोरी हुई थी, उसी टाइम वो एकला बंदा ही यहाँ पे भी आया, फिर आगे चला गया बड़सी गेट पे। हमारी यही डिमांड है SHO साहब को सस्पेंड किया जाए। दोनों तरफ यानी कि बंद लगा रखे, सामने ये उमरा गेट है, इधर ये
जाता है, लाईचाड़ी की तरफ जाता है, तिकोड़ा पार्क की तरफ, यहाँ भी बंद लगाए हुए हैं। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो जाम खुलवाने के लिए आई थी, प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने जाम नहीं खोला और उन्होंने बराबर प्रदर्शन करते रहे हैं और उनकी मांग है कि नहीं, मेरी आपसे नहीं है। आप जाइए।